अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल डिलाइटफुल डिशेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपके दस्तरखानों को हरा भरा रखे, बीमारी और परेशानी से महफूज रखे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आधा किलो मैंने मिल्क लिया है, तीन केक लिए हैं, चार बनाना लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई और फ्रूट भी ले सकते हैं, एप्पल भी ले सकते हैं और जो आपको पसंद हो वो भी ले सकते हैं। कस्टर्ड का साशा लिया है मैंने वनीला का, हाफ कप चीनी ली है, बादाम लिए हैं मैंने थोड़े से, होम जेली मैंने बना ली है, मिल्क लिया है हाफ कप, मिल्क में कस्टर्ड का साशा ऐड करेंगे। इसमें तमाम कस्टर्ड का साशा ऐड कर देंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिल्क को गरम करेंगे, मिल्क में बॉयल आ चुका है, अब इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। फ्लेम हमने स्लो रखना है, चम्मच हम चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके कस्टर्ड का साशा हमें ऐड करना है। चम्मच हमने चलाते रहना है, अगर हम चम्मच को नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है, अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, कस्टर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। केक मैंने कट कर लिए हैं, बनाना को हम कट करेंगे, कस्टर्ड में बादाम ऐड करेंगे, जेली ऐड करेंगे, केक ऐड करेंगे, बनाना कट कर लेंगे, एक लेयर हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी लेयर भी स्टार्ट करेंगे। दूसरी लेयर हमने लगाना स्टार्ट कर दी है, बादाम जेली केक्स ऐड करेंगे। बनाना ऐड करेंगे। दो लेयर हमारी रेडी हो चुकी हैं, कस्टर्ड ऐड करेंगे थर्ड लेयर के लिए। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है। आप सब बनाए और कमेंट्स में बताएं कि ये डिश कैसी बनी। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।